गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, चलिए आज भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुथे हुए चालक मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर जो ऐंठा हुआ होता है, वैसा चालक वैसा कंडक्टर जो ऐंठा हुआ होता है, का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या एडवांटेज है सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन। आंसर होगा अधिक लचीलापन, मोर फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है वो ज़्यादा लचीला होता है सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन। स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लोग देखते हैं जो एक पोल से दूसरे पोल पे घर का जो तार जाता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन क्या रहता है, एक पोल से दूसरे पोल पे जो तार जाता है, एल्युमिनियम का जो तार रहता है, वो स्टैंडर्ड कंडक्टर रहता है, वो ऐंठा हुआ रहता है। उसका क्या एडवांटेज है कि वो ज़्यादा लचीला होता है सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन। मतलब उसको मोड़ना, उसको बेंड करना, उसको ऐंठना, वो ज़्यादा इजी होता है सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो कोई केबल है जो कि 16 एम्पियर का है। केबल का मतलब होता है एक से, जिसमें एक से ज़्यादा वायर हो। वायर मतलब एक सिंगल वायर, और जब एक से ज़्यादा वायर होता है तो केबल कहलाता है। तो कोई भी केबल जो 16 एम्पियर का है तो उसका एक्सेस करंट प्रोटेक्शन क्या हो सकता है। उसका आंसर है 13 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है। बिजली की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का इकाई क्या है, यूनिट क्या है। आंसर होगा इसका कूलम। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज का यूनिट होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो फिगर में दिखाया गया है सोल्डरिंग का प्रोसेस, इसका क्या नाम है। आंसर होगा सोल्डरिंग गन। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि एक सोल्डरिंग गन होता है। सोल्डरिंग गन को हम लोग पावर सप्लाई देके थोड़ा देर पहले गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्डरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये सोल्डरिंग गन कहलाता है, सोल्डरिंग गन है। सोल्डरिंग गन के द्वारा हम लोग ये सोल्डरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ईएमएफ, विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। वैसा ईएमएफ, वैसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में मदद करता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या करंट, और मोटिव इन अ सेंस मोशन। वैसा फोर्स, वैसा बल, फोर्स को बल बोलते हैं, जो फोर्स वैसा बल जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन में मदद करे वो ईएमएफ कहलाता है। तो उसका सूत्र हम लोग का क्या है। आंसर है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, दो बिंदु के विभव का अंतर। दो बिंदु पे जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, मगर अगर मान लें कि एक पॉइंट पे 200 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पे 300 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आएगा। दो बिंदु पे विभव का जो अंतर है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। विभव मतलब वोल्टेज, दो बिंदु पे वोल्टेज का जो अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज का कम होना, गिरना। अगर वोल्टेज 220 है, फिर अगर वो 200 हो गया तो वो 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज का गिरना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, करंट रेटिंग फैक्टर क्या है केबल के लिए। आंसर है इसका 1.23। करंट रेटिंग फैक्टर कोई भी केबल का 1.23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। पहला क्वेश्चन भी यही था कि स्टैंडर्ड कंडक्टर का
क्या एडवांटेज है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सॉलिड कंडक्टर का क्या डिसएडवांटेज है। तो आंसर इसका वही होगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, कम लचीलापन होता है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, ज़्यादा लचीला होता है, उसको मोड़ना बेंड करना वो ज़्यादा ईजी होता है सॉलिड कंडक्टर के कंपेरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो फिगर में जो मेथड दिखाया जा रहा है, ये कौन सा सोल्डरिंग विधि है, कौन सा मेथड है। आंसर होगा तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। मतलब ये जो हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग होता क्या है, सोल्डर के द्वारा दो धातु को जोड़ने का क्रिया। सोल्डर के द्वारा, सोल्डर बेसिकली मिश्र धातु होता है टिन का और लेड का को मिलाकर हम लोग सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर में क्या क्या कंपोनेंट होता है, टिन होता है और लेड होता है। तो सोल्डर क्या है, बेसिकली एक मिश्र धातु है। सोल्डर के द्वारा, जैसे ये है कि सोल्डर के द्वारा दो धातु को जोड़ने का विधि सोल्डरिंग कहलाता है। तो ये जो सोल्डरिंग विधि है, ये तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। मतलब जो हम लोग सोल्डर का उपयोग करेंगे यहाँ पे, उसको टेम्परेचर के द्वारा उसको हम लोग पिघलाते हैं। जो सोल्डर है उसको टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देंगे कि वो मेल्ट हो जाए, वो पिघल जाए। बेसिकली सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 205 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। सोल्डरिंग में अगर कोल्ड सोल्डर का डिफेक्ट हो जाता है, तो उसमें वो डिफेक्ट किस कारण से आता है। आंसर है अपर्याप्त ऊष्मन, मतलब इनसफिशियंट हीटिंग रहेगा, हीट कम देंगे उसमें हम लोग, तो सोल्डर ठीक से मेल्ट नहीं होगा। सोल्डर को मेल्ट होने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, हम लोग को उतना देना होगा या उससे ज़्यादा देना होगा। अगर हम लोग उसको प्रॉपर हीट नहीं देंगे, तो सोल्डर ठीक से मेल्ट नहीं होगा और वो कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट उसमें आ जाएगा, वो ठीक से मेल्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आम मीटर की तरह जोड़ा जाए। वोल्ट मीटर वैसा मशीन है, वैसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, और एमीटर वैसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो बोल रहा है कि अगर वोल्ट मीटर को हम लोग एमीटर की तरह जोड़ेंगे तो क्या उसमें होगा। आंसर है लो रीडिंग। अगर हम लोग वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह यूज करने लगेंगे, तो वो सही रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना और एमीटर का काम है करंट मेजर करना। तो हम लोग अगर दोनों का चेंज कर देंगे प्रॉपर्टीज़, तो वो रीडिंग सही नहीं देगा, सही मेजरमेंट नहीं देगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। जो हम लोग केबल पे सुरक्षा लगाते हैं, करंट प्रोटेक्शन लगाते हैं, तो उसका क्या उदाहरण है। आंसर है रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ये वैसा फ्यूज है जिसका अगर तार टूट जाता है, फ्यूज वायर टूट जाता है, तो उसको हम लोग फिर से फ्यूज वायर चेंज कर देते हैं, दूसरा फ्यूज वायर लगा देते हैं। जो हम अपने घर में फ्यूज़ देखते हैं, वो यही फ्यूज रहता है, रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, जिसको कि हम लोग फ्यूज को खोल के चेक भी कर सकते हैं कि उसका फ्यूज वायर टूट गया है या नहीं टूटा है। अगर फ्यूज वायर टूट जाता है, तो उसमें हम लोग दूसरा फ्यूज वायर लगा देते हैं। ये हम लोग जनरली डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज करते हैं, रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा कंडक्टर हम लोग उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो तार हम लोग देखते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे जो तार जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम लोग लाइन का डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है। इसका आंसर है बेयर कंडक्टर। कौन सा हम लोग कंडक्टर यूज करेंगे, पोल में कौन सा कंडक्टर यूज होता है, वो बेयर कंडक्टर होता है। बेयर कंडक्टर मतलब वैसा कंडक्टर जिसपे कि इंसुलेशन का लेयर नहीं चढ़ा रहता है। जनरली जो हम लोग घर में तार देखते हैं वायरिंग के टाइम में, तो वो कैसा रहता है, वो जो 1 mm का या 2 mm का तार रहता है, 1.5 mm का तार रहता है, उसमें क्या होता है, PVC का इंसुलेशन चढ़ा होता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा होता है। लेकिन बेयर कंडक्टर क्या है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंसुलेशन का लेयर नहीं रहता है, वो सिर्फ तार रहता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पोल में जो तार रहता है, वो एल्युमिनियम का बना रहता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं होता है, वो बेयर कंडक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कॉपर है, कॉपर का थर्ड सेल में कितना एटम होगा। आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। कौन, ये जो जितना है इसमें कौन सा अर्धचालक पदार्थ है, कौन सा मटेरियल है। आंसर है जर्मेनियम।
जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक मतलब वैसा पदार्थ जो कि करंट को पूरी तरह से बहने नहीं देता है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में से करंट का फ्लो कराना चाहेंगे तो वो पूरी तरह करंट को अपने में से पास होने नहीं देगा। अगर हम 10 एम्पियर का करंट सेमीकंडक्टर में से पास कराएंगे तो वो हो सकता है 6 एम्पियर 7 एम्पियर 8 एम्पियर का करंट बहने दे अपने आप में से, वो पूरी तरह 10 एम्पियर का करंट अपने आप में फ्लो नहीं होने देगा। नेक्स्ट है नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। जो हम लोग नियॉन पोलैरिटी देखते हैं तो उसमें हम लोग एसी सप्लाई को कैसे चेक करते हैं। आंसर है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। जब हम लोग एसी सप्लाई को चेक करेंगे तो क्या होगा कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होगा उसमें वो जलने लगेगा। हम लोग जानते हैं कि किसी में भी अगर हम लोग सप्लाई देंगे, कोई भी हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है वो जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो जलने लगता है। जैसे कि हम लोग वो भी देख सकते हैं कि हम लोग टेस्टर लगा के कभी चेक करते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टेस्टर के अंदर जो बल्ब होता है वो ब्लिंक करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। जैसे कि अगर जो लैंप होता है जो बल्ब है वो 500 वाट का है। हम लोग घर में भी देखते हैं कि यूज करते हैं बल्ब 100 वाट का 200 वाट का, तो उसी प्रकार कोई बल्ब है जो 500 वाट का है उसको 5 घंटा हम लोग को चलाना है तो कितना यूनिट का खपत होगा, कितना यूनिट खपत करेंगे हम लोग। आंसर होगा 2.5 यूनिट। कैसे होगा, 500 वाट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 से। 500 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2500 और हम लोग को निकालना कितना है, क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए 2500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट डिवाइडेड बाय 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर पावर है 100 वाट और वोल्टेज है 250 वोल्ट तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई भी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। आंसर है 625 ओम, 625 ओम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, पावर वी स्क्वायर बाई आर। तो वी दिया हुआ है 250, 250 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 पे 20 और उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो 20 कट जाएगा, आ जाएगा 625 ओम। पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर और ये वी दिया हुआ है तो वी इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 100 से तो आ जाएगा 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर है। वो कौन सा लॉ है जो कि कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। आंसर है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ कहता है समेशन ऑफ वी इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, जो क्लोज सर्किट में जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट डिवाइडेड बाय 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। वाट दिया हुआ है 200 वाट और वोल्टेज है 240, तो क्या इसका पावर कितना होगा। मतलब यहाँ पे 200 वाट है, पावर यहाँ पे कितना है 200 वाट, तो पूछ रहा है कि दो लैंप जुड़ा हुआ है, 200 वाट का दो बल्ब हम लोग जोड़े हैं तो कुल पावर कितना होगा, कुल पावर कितना होगा। इसका आंसर होगा 100 वाट, आंसर होगा 100 वाट। क्यों, जब हम लोग पावर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए, कनेक्शन क्या किया है सीरीज में कनेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200, तो 2/200, आंसर हो जाएगा 100 वाट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई भी पावर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो टोटल पावर निकालना है तो 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, तो 1/P1 भी कितना है 200, तो 1/200 लिखेंगे प्लस में 1/200 ही करेंगे क्योंकि दो जो बल्ब है लैंप है वो सेम रीडिंग का है, तो 1/200 प्लस 1/200 आ जाएगा 200/2/200, आंसर हो जाएगा 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर जो हमारा तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? आंसर है टोटल रेजिस्टेंस RT, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर कोई भी रेजिस्टेंस जितना भी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्शन होगा तो पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा। अगर यही तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता तो इसका ये वाला आंसर होता, टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में कनेक्टेड रहता तो ए नंबर आंसर होता, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका आंसर ये होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।